अरे मेरा 8 साल का रिलेशन था, पता नहीं सर क्या हुआ, एक्चुअली मेरे पापा एक्सपायर हो गए बीच में, तो उसने कहा कि 6 महीने में ये कहा कि मुझे अभी शादी करनी है। सर उस टाइम मैं स्टैंड नहीं करती थी, किस मुंह से मैं अपनी मम्मी को ये बोलूं कि मुझे इस लड़के से शादी करनी है, और सर गांव में रह के सर ऐसे लव मैरिज करना बहुत बड़ी बात है। सो सर मैंने कहा उससे टाइम मांगा कि मतलब कुछ टाइम बाद सर, लेकिन पता नहीं उसने तब तो ये कहा कि ठीक है टाइम दे रहा हूँ, लेकिन सर फिर एकदम से अचानक से ये हुआ कि उसकी सगाई हो गई और उसने सर शादी कर ली, फिर मेरी उससे बात नहीं हुई सर। कितने टाइम पहले हुआ ये? सर ये बात है 3 साल पहले की। अब 3 साल पहले 19 साल की थी, उससे पहले 8 साल आपका चला, 11 साल की उम्र से? 8 क्लास से था सर मेरा। वो आदत बनती है ना सर, वो एक कुत्ते कुत्ते को पालते हैं ना सर, कुत्ते से भी लगाव हो जाता है, तो सर मैं तो इंसान हूँ और मुझे इससे इतना लगाव हो गया सर, इतना लगाव हो गया कि सर बस। फिर मुझे छोड़ के गया सर, बस फिर वहीं से मैं गिरी। तो सर मुझे मैंने समझा कि मैं इस इंसान के सामने क्यों मतलब अपनी प्यार की भीख मांग रही हूँ, तो फिर मैंने छोड़ दिया कि अब तू निकल, मैं उठ के दिखाऊंगी तेरे को मैं क्या हूँ। आपको नहीं लगता कि आपने कहा कि मेरे को 3 साल पहले बोला कि मैं आप टाइम दो मुझे, उसके 2 साल बाद उसने शादी करी है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं आपकी गलती हो सकती है कि आपने, उसने तो आपको शादी का ऑफर दिया था। दिया सर, लेकिन मैं अपनी मम्मा को कैसे हर्ट कर सकती हूँ सर, ये भी तो बात है ना। आपकी शादी में मम्मा की हर्ट कैसे होगी? क्योंकि सर मेरे चाचा वगैरह सबका शुरू में पापा एक्सपायर होने के बाद प्रेशर बहुत ज्यादा था कि अम्मी तुम्हारे घर के ये हैं, अम्मी तुम्हारे घर के वो हैं, कुछ टाइम तक हमने सुना था सर, फिर हटा दिया सर कि निकलो भाई अपने घर निकलो, ये तुम्हारी सुनेंगे तो हम अपनी जिंदगी जिएंगे नहीं। तो आपने अपने घर वालों को मना लिया था फिर? हाँ सर, फिर मैंने पहले भी पता चल गया था उनको, पापा जब थे ना सर तो उनको पता चल गया था, तो उनके घर भी गए थे, मतलब जो लड़का है ना सर उसके घर गए थे, तो पापा ने कहा कि अब छोड़ दे काम, क्योंकि सर गांव में सोचते पता नहीं क्या ये वो। तो अच्छा, वही पापा को आपके बॉयफ्रेंड से प्रॉब्लम थी पर खुद वो चीट कर सकते हैं? सर मुझे बाद में पता चली ये बात। कब पता लगी आपको? और तब सर मैंने ये बात सोची थी, मैं 11th 12th में थी, मेरे पापा को तब इसके बारे में पता चला था, मेरे एक्स के बारे में, तो उसके बाद फिर मुझे मतलब ये बातें पता चली, जैसे मम्मी पापा के बीच में झगड़ा होता था रात को, पापा मम्मी को मारते थे। रात को सोती थी जब सर मुझे आवाज सुनाई देती थी, तो सर धीरे धीरे ये लगा कि तू ही नहीं बोलेगी अपनी मम्मी के लिए तो बोलेगा कौन। सर फिर मैंने स्टैंड लिया सभी के सामने, चाचा वगैरह सबके सामने, तो उन्होंने सर मेरे को बुरा माना, लेकिन मुझे ये लगता है मैंने बहुत अच्छा किया कि अपनी माँ के लिए मैं खड़ी हूँ ना, बहुत खड़ी हूँ सर, बस ये सर यही किया मैंने। यू नो आई जस्ट फील कि कितना कुछ हो जाता है लोगों की जिंदगियों में, और आप लोग फिर भी इतना जोश लेकर आते हैं, यू नो, और जब आपने कहा कि इसको भी तो संभाले छोटी को, रुला दिया देखो तुमने। मैम आप है ना एक नंबर के लागो रो मन्ना। वेरी स्ट्रॉन्ग। यस, और ऐसे ही रहूंगी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो। अब तो आपसे मिलनी सर, अब क्या है? अभी तो शुरुआत है इसकी, अभी तो 22 इयर्स की है, इसने तो बहुत उड़ना है, और क्या कह रही थी, उड़ान भरनी है और दूर तक जाना। स्लीप एवरी नाइट बिफोर एंड द लास्ट साउंड यू हियर इज समवन हिटिंग योर मॉम।